अगर आपको आपके खेत में ड्रिप इरीगेशन लगाना है तो उसके बारे में हमें यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन ले गया और आपको जो है ड्रिप इरीगेशन लगाते वक्त आपको कौन सी गलतियाँ ना करनी चाहिए जो कि हमने की थी उसके वजह से हमारा जो है थोड़ा सा नुकसान हुआ उस वो नुकसान आपका भी नहीं होना चाहिए इसके लिए आपको कौन सी कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए उसके बारे में इस वीडियो में हम जान कर लेंगे तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल पे पूरे खेती से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं या फिर आपके जो भी सवाल होते हैं उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो लाते रहते हैं तो चैनल को कर दिए सब्सक्राइब तो आगे बढ़ते हैं कि आपको जो है आपके खेत में कौन से टाइप के ड्रिप लगानी चाहिए ड्रिपर सबसे पहले हम नली के बारे में डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले आते हैं इस ड्रिपर में आती है एक ओरिजिनल नली जो कि ये थोड़ी मजबूत है और एक आती है लोकल नली दो टाइप की नली आती है इसमें एक लोकल है तो ये कम कमज़ोर होगी ये तो आपको ध्यान में आता ही है और एक जो है महंगी है थोड़ी अच्छी क्वालिटी की है तो आपको जो है आपके खेत में अगर आपको बजट कम है तो आप जो है लोकल ले लीजिए बजट अच्छा है तो आप ले लीजिए ओरिजिनल मगर आपको एक चीज़ मगर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है आपके खेत में अगर पंछियों को पानी नहीं मिलता है जैसे कि पानी का सोर्स नहीं है आसपास तो आपको जो है पक्षियाँ जो है पानी के लिए आपको जो है नलिया को होल करके इसमें से पानी पिएंगी तो उसके वजह से जो है हमारे खेत में भी ऐसा ही हुआ था कि हमने पहले लगाए थे लोकल और लोकल में पंछियों ने होल कर कर के इसमें से पानी पिया उसकी वजह से हमने जो है इसको पूरा वेस्ट में निकाल दिया यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी लाइन हमने वेस्ट में निकाल दी और उसके बाद में हमने लगाया ओरिजिनल पाइप जो कि ये है तो आपको जो है ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके अगर ये भी चलती है बीस साल चलती है ये नली इसमें भी कोई फॉल्ट नहीं है मगर पंछा होल करती है इसके वजह से आपको जो है एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको जो है ये वाली नली नहीं लेनी है आपको जो है औरिजिनल के साथ ही जाना पड़ेगा आपको ओरिजिनल ही खरीदनी पड़ेगी उसके बाद में आ, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको जो है तीन चार टाइप के ड्रिपर आते हैं जो कि हमने यहाँ पे रखे हैं तो एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ उसके साथ ये जो है ड्रिपर के बजाय आपको जो है एक छोटी नली आती है माइक्रो ड्रिपर जैसी तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सबसे पहले लगाया था हमने ये वाला ड्रिपर ऐसा है ये तो जैन कंपनी का ओरिजिनल ड्रिपर था ये, मगर इसमें जो है एक दिक्कत है कि ये थोड़ा धीरे धीरे पानी देता है और इसमें जो है अभी आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें जो है कुछ कचरा अटक जाता है इसलिए हमने जो है ए बी निकाल डाला उसके बाद में ज़्यादा पानी वाला ये वाला लाया तो इसमें जो है आपको थोड़े से ज़्यादा होल्स मिलते हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा ज़्यादा आता है ये कौन सी कंपनी का है ये ये तो अलग अलग कंपनी के लाए थे हमने तो यहाँ पे जो है ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है मगर इसमें जो है आपको जो है थोड़ी सी क्वालिटी लो मिलती है इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है क्योंकि यहाँ पे आप कलर से ही देख सकते हो ये थोड़ा जो है ख़राब हो जाता है जल्दी उसके बाद में ये लाया हमने उसके बाद में जो है और भी ज़्यादा पानी देने के लिए हमने लाया ये वाला डीपर इसके अंदर जो है ये पूरा ज़्यादा पानी देता है तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो ये वाला ज़्यादा पानी वाला ये कम पानी वाला इसमें आपको जो है ज़्यादा पानी मिलता है तो ये भी हमने ला के देख लिया मगर इससे जो है हम हमारे जो है डीपर बुझ जाते थे इसमें भी कचरा आता था हमने तो फिल्टर लगाया था उसके बावजूद आपके जो है अगर चार पाँच साल के ड्रिपर हो गए उसके बाद में कचरा आते ही है क्योंकि चीटिया और भी इंसेक्ट्स उसमें जो है चले जाते हैं तो उसके बाद हमने क्या किया एक और नए टाइप के ड्रिपर आई थी पिछले साल या फिर उसके पिछले साल हमने लाया था तो ऐसे वाली जो है एक पूरी स्प्रिंकलर के टाइप पर पूरा फौरा आता है चैनल पे वीडियो डाली थी मैंने जब भी लगाया था तब आपको जो है ये वाला मिलता था इसको टाइट किया तो ये पानी नहीं जाता था इससे इसको आपको थोड़ा सा ढीला रखना पड़ता था तब ये इससे जो है पूरा सा फवार आता था तो ये भी लगा कि हमने देख लिया मगर इससे भी रिजल्ट नहीं आता था इसके अंदर कोई भी गुंडी नहीं होती है डायरेक्टली ये ऐसा होता है और इसको लग जाता है ऐसे दिखता है ये आपको जो है इसको आपने जितना ढीला किया उतना जो है इसको जो है ओपन किया जितना ओपन किया उतना ज़्यादा पानी देता था वो और जितना कम पानी दिया उससे उसका जो है कम कम पानी होता था तो इससे भी हमारा काम नहीं चला ए भी फेल हो गया तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको जो है ए भी नहीं ख़रीदना है उसके बाद में ए भी नहीं ख़रीदना है उसके बारे में ये भी नहीं ख़रीदना है सिंपली आपको जो है ए खरीदना है एक और उसके साथ आपको जो है तीन साल तक इसको चलाना है क्योंकि तीन साल तक अपने जो भी पेड़ होते हैं संतरा के पेड़ होते हैं या फिर आम के पेड़ होते हैं इनको जो है कंपनी लगता है तो आपको सिंपल ए लगा के रखना है तीन साल तक उसके बाद में आपको जो है ये तीन साल हो गए उसके बाद में आपको जो है यूज़ करना है ये वाली माइक्रो ड्रिपर जो कि बहुत ही बेहतरीन है जैसे कि मैंने भी हमने खेत में जो है आखिरी में जो हमने लाए थे तो वो रहने दिए और उसके साथ ही हमने जो है एक साइड पे अगर तीन साल तक आपको जो है एक ही होल रखना है जो कि यहाँ पर रहेंगा उसके बाद में हमने थोड़ा सा पीछे खींच के यहाँ पर जो है दो होल के लिए जगह कर ली और यहाँ पर जो है एक ये रहने दिया उसके बाद में ये लगाया तीन साल के बाद अभी इन पेड़ों को जो है छः सात साल हो गए हैं तो उसके बाद में हमने ये लगाया और इसको जो है यहाँ से लगा देना है उसके बाद में इसको कैसे लगाने आपको यहाँ पे दिख जाएगा इसको सिंपली इतना ही हो लेता है इसको जितना हो लेता है उतना ही आपको जो है यहाँ पे करना है और इसको डालना देना है और यहाँ पे जो है ऐसे एक आपको ऐसे सिस्टम कर लेनी है और इसके जो इसमें जो है इसमें से जो है अच्छे से पानी आएगा और इसमें जो है आपका कोई भी कूड़ा कचरा नहीं अटकेगा तो आपको जो है ये हमें बेस्ट लगी और अब फिर भी आ, आपकी जो है नलिया कितनी भी स्ट्रांग हो तभी भी जो है पंचायत इसमें जो है होल करती है तो उसके लिए भी हमने एक जुगाड़ निकाला है हम क्या करते हैं इसको जो है थोड़ा एक नाली कर लेते हैं छोटी सी भावड़े से उसके बाद में इसको जो है ज़मीन में गाड़ देते हैं और ये वाली नली होती है ऊपर उसकी वजह से क्या होता है पंचों को यहाँ पे चोच लगाने के लिए जगह ही नहीं मिलती ये पूरा हमने ज़मीन में गाड़ दिया था इस साल भी और अभी दो तीन सालों से वैसे ही चल रहा है तो आप कुछ है ये नली भी ले लेनी है छोटी माइक्रो डिपर जैसी होती है और इसमें इसके साथ ही आपको जो है एक नली और भी मिलती है जो कि आपको नहीं खरीदनी है एक ऐसी टाइप की नली आती है थोड़ी सी जाड़ी आती है यहाँ पे आप, आप साइज देख सकते हो एक पतली है एक जाड़ी है तो ये वाली नली कौन से काम की आती है हमने भी यही लगाई थी पहले ये वाला जो है दूर डिस्टेंस के लिए आपको जो है ऐसे इस इसके ऊपर लगाने के लिए ये वाली नली आती है इसको आपको जो है ऐसे लगा लेना है ऐसे लगाती है लोग मगर इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होता है आप सिर्फ दूर पानी देने के लिए आप जो है ये वाला इसका इस्तेमाल कर सकते हो डबल लाइन आपको अगर आपके खेत में नहीं लगानी है मतलब जो है बड़ा बगीचे घो जाने के बाद लोग क्या करते हैं एक तो ये तो लाइन लेंड देते हैं उसके साथ ही यहाँ पे हाथ से भी एक लाइन जाने देते हैं उसके लिए आपको जो है खर्चा कम करने के लिए लोग क्या करते हैं पे एक लगा देते हैं और इसको नली लगा के आगे कर देते हैं ये वेस्ट है पूरा ये आपको नहीं करना है सिर्फ़ आपको एसी जो है ऐसी या फिर जो हमने नहीं दिखाया था माइक्रो पर वो आपको ख़रीदनी है एक साइड और एक साइड आपको जो है एक नली रखनी है सिंपल चीज़ रखनी है और उसके बाद में आपको जो है कनेक्टर में भी दो टाइप आते हैं एक तो ऐसे कनेक्टर आते हैं जिसमें जो आपको नली को सपोर्ट करने के लिए कुछ मिलता है तो ये आपको नहीं खरीदने हैं इसमें आपको वेस्ट जाएगा मनी उससे अच्छा अपना सिंपल ड्रिपर इस ड्रिपर के लिए एक कनेक्टर होता है सिंपल कनेक्टर आपको ख़रीदना है ऐसे आपको जो है कोई भी कनेक्टर नहीं खरीदना है सिंपल होता है और आपके जो खेत में ड्रिपर लगाने को लोग आते हैं वो तो आपको जो है एल्बो खरीदने को बोलते हैं टी खरीदने को बोलते हैं तो आपको टी जॉइंट या फिर एल्बो जॉइंट ये खरीदना नहीं है वेस्ट ऑफ मनी है आपको अगर कोई मोड़ मोड़ना हो तो सिंपल आपको जो है नड़ी नली ही ऐसी पतली होती है कि ये अच्छे से मूल मूड भी जाती है ऐसे आप देख सकते हो इसको आपको जो है कोई भी एल्बो या फिर कोई भी डी खरीदने नहीं है और उसके बाद में आपको जो है मैं बता देता हूँ कि आपको जो है ओपन ड्रिपर ड्रिप इरीगेशन लगाना है या फिर क्लोज ड्रिप इरीगेशन तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे ओपन ड्रिप इरीगेशन लगाया है क्लोज के साथ आपको नहीं जाना है क्योंकि क्लोज आपने लगाया तो आपको जो है अगर नली यहाँ से निकल जाती है ये पूरा ज़मीन में होता है और है उसमें जो है सपेट वाले पाइप रहते हैं वो महंगे आते हैं तो हमने यहाँ पे सिंपल ओपन वाला रखा है यहाँ पे हमने सिर्फ स्प्रिंकलर के जो पाइप होते हैं ऐसे जो पाइप होते हैं ये हमने ले लिए उसके बाद में जो है इसको जो है होल करके एक कॉक लगा दिए इन लाइन में होता है कि उसमें डायरेक्टली कनेक्टर यहाँ पर लगा दिया जाता है वैसर के साथ ऐसा वायसर रहता है तो हमने वैसा नहीं किया अगर आपके जो है ड्रिप में कुछ फॉल्ट आता है तो अब आपको जो है यहाँ पे बंद करने के लिए कुछ होना चाहिए तो यहाँ पे हमने जो है ऐसे कॉक लगा दिए वाइसर के साथ होल करके सस्ते दामों में आपको ऐसा ही स्प्रिंकलर के पाइप ले लेने हैं और उसके साथ ही इसको लगा देना है और इस कॉक में भी दो टाइप आते हैं एक ये वाला जो लोकल है और एक औरिजिनल है तो आपको जो है लोकल इसमें नहीं लेना है क्योंकि आपको दस बारह साल इसमें निकालने हैं या फिर बीस साल निकालने पड़ते हैं तो ये जो है जल्दी से मुड़ जाता है ऐसे थोड़ा से किया तो टूट जाता है इसको लिए आपको जो है औरिजिनल कॉक लेने हैं और चालू बंद करने के लिए बहुत ही सही है तो ये हो गया उसके बाद में आपको जो है ड्रिपर को होता है एक फिल्टर और ड्रिपर लगाने के लिए आपको जो है ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट रहेंगे जो प्रोफेशनल के पास होते हैं आपके पास नहीं होंगे तो आपके पास एक बड़ी सुई या फिर जो हमारे कट्टे सिलने की सुई होती है दाबन होती है उससे आप जो है डायरेक्टली होल कर सकते हो और उसके बाद में नली या फिर आप ड्रिपर लगा सकते हो और उसके साथ ही हमारा इतना वेस्ट चला गया इसके वजह से आपको जो है हमने मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी उसकी वजह से आपका वेस्ट नहीं जाएगा हमने यहाँ पे पूरा निकाल के फिर रख रख दिया है हमने नए टाइप के लगाए थे और उसके साथ ही आपको जो है ड्रिप इिगेशन में आपको जो है यहाँ पे डायरेक्टली आपका पानी आप उस छोटे छोटे नलियों में नहीं डाल सकते जो कि हमने स्प्रिंकलर के है वो उसमें नहीं डाल सकते उससे पहले आपको जो है एक आपकी मोटर जो होती है उसमें जो आपको एक फ़िल्टर लगाना पड़ता है ऐसा एक फ़िल्टर होता है सिंपल फिल्टर आपको लेना है ज़्यादा एक्सपेंसिव आपको फ़िल्टर नहीं लेना है आपको कॉस्टली भी पड़ेगा और आपको जो है क्लीनिंग के लिए ऐसा एक फ़िल्टर ले लेना है उसके अंदर इसको जो, जो अगर हम ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपको जो ऐसे एक जाली मिलेगी सिंपल जाली है यहाँ पे आपको जो है एक स्टील की जाली मिलती है बारीक होती है इससे जो है पूरा पानी जो है फिल्टर होकर अंदर जाता है यहाँ पे आप देख सकते हो यह है इनलेट यहाँ से पानी ऐसे आता है यहाँ यहाँ पर पूरा डस्ट कलेक्ट होता है उसके बाद में अंदर से पूरा पानी आउटलेट यहाँ से नीचे जाना जाता है और वहाँ वा, वहाँ पे जो हमने दिखाया आपको जो स्प्रिंकलर के थे थे उसमें चले जाता है उसके बाद में वो कॉक से पूरे नली में जाता है और ड्रिपर से पेड़ों को जाता है तो इस फिल्टर में आपको एक गलती नहीं करनी है जो हमारा फ़िल्टर होता है उसके नीचे आपको जो है प्लास्टिक का यहाँ पर पाइप नहीं रखना हमने यहाँ पर प्लास्टिक का रखा था यहाँ पर जो है ये लीक हो रहा है तो आपको ये खरीदना नहीं है सिंपली आपको क्या करना है जो आपका फिल्टर होता है उसके नीचे जो है लोहे का पाइप आपको लगाना है ताकि आपकी जो है यहाँ से ये मोटर प्रेशर के प्रेशर की वजह से वो पूरा लोड की वजह से ये नीचे वाला क्रैक हो जाता है जैसे कि हमारा यहाँ पे हुआ है तो हमने ये जो हमारा दूसरा फिल्टर है यहाँ पे जो है आपको ये पूरा लोहे का लगाना है और इसमें आपको जो है ये जो फ़िल्टर होता है उसमें आपको जो है एक आउटलेट मिलता है ये आउटलेट के लिए जगह है अगर आपके इस प्रेशर ज़्यादा हो जाता है आपको जो है दिख रहा होगा यहाँ पे प्रेशर गेज के लिए जगह है तो इसे ओपन करके आपको जो है यहाँ पे प्रेशर गेज आप लगा सकते हो बाहर से उसके बाद में आपको प्रेशर पता चल जाएगा उसके बाद आपको जो है आपकी जितनी अच्छी पी की मोटर हो उसकी पावर हो उसके वजह से नलिया हमारी जो नलिया होती है वो फटनी नहीं चाहिए इसके लिए आपको जो है इसका प्रेशर कम करना पड़ता है तो हमारी जो है प्रेशर बहुत सही है इसकी वजह से हमने क्या किया था ये आउटलेट बंद ही रखा है तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसके नीचे का वाला पाइप लोहे का होना चाहिए तो ये पूरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और इसके हिसाब से आपको जो है ड्रिप इरीगेशन लगाना है या फिर खरीदना है ताकि आपका जो है कम से कम नुकसान हो अभी आपको पता चल गया है कि आपको कौन से कौन से चीज़ें ड्रिप इरीगेशन में लगानी है या फिर कौन सी कौन से चीज़ें नहीं लगानी है तो इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और उसके साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और कमेंट में बताइए कि आपको इसके बारे में कोई भी सवाल हो तो आप बेझिझक कमेंट में लिख सकते हो और मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना इतनी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद तो सब्सक्राइब करना बनता ही है